भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों की भर्ती शुरू होने के बाद राफेल को उड़ाने का सौभाग्य बनारस की बेटी शिवांगी को मिला है। बनारस की शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। इससे पहले भी शिवांगी ने 2017 में इतिहास रचा था, जब वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में से एक थीं। आपको बता दें कि शिवांगी सिंह देश के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला पायलट के तौर पर शामिल की गई हैं। राफेल विमानों के भारत आने के बाद से ही चर्चा थी कि आखिर कौन फाइटर पायलट इसे उड़ाएगा। बनारस में पली बड़ी और BHU से NCC करने के बाद शिवांगी ने भारतीय वायुसेना की राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य हासिल किया है। बनारस ही नहीं बल्कि देश में भी वायुसेना की ओर से बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल पर अब परवास भरेंगी। महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में 2017 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। वाराणसी जिले की मूल निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह फिलहाल प्रशिक्षण के दौर में हैं। जल्द ही शिवांगी अम्बाला में 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना में वर्ष 2017 में शामिल होने के बाद शिवांगी सिंह MiG-21 बाइसन उड़ा रही हैं। वो अम्बाला में भारत के सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलटों में से एक विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भी रह चुकी हैं। चलिए जानते हैं शिवांगी के परिवार और दोस्तों से उनका इस उपलब्धि पर क्या कहना है। ये बिल्कुल अच्छी बात है, रफाल पहला 5 रफाल हिंदुस्तान को भी मिला है और उस 5 को हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हमारी बहन उसको उड़ा रही है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। सफर तो मुश्किल ही था क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बिना नहीं पहुंची वहां पे। और उसके बाद वो हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट ही रही है, तो हमेशा मतलब पढ़ाई लिखाई सब में अच्छी ही रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी उसका मन था, तो हमेशा से वो फर्स्ट आई है, उसके बाद अवार्ड मिला है, उसके बाद वो FCAT में गई है। बाकी उसका एयरफोर्स में मन था, उसमें गई है और अब उसे मौका मिलते जा रहा है, वो मौके का सही उपयोग करके अपने आप को और ऊपर पहुँचाएगी। सर, संघर्ष तो जीवन में किसी का भी खत्म नहीं होता, अंत तक वो संघर्ष कर रही है, देश के को बचाने के लिए अपनी सीमा पे तैनात रहेगी, तो अपने देश को सभी मुसीबतों से बचाएगी। और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, साथ में स्पोर्ट्स में अच्छी थी, फिर NCC में गई, वहाँ भी उसके जो कर्नल थे CEO सब बहुत तारीफ करते थे कि इसकी तरह लड़की कोई ड्रिल नहीं कर सकता, ये लड़कों से बढ़ के है ये लड़का, हम वो कहते थे कि मेरा बेटा है, बेटी नहीं। और बाकी तो उसका अपना संघर्ष ही है।